औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एसएलएस स्टूडेंट फरवान का साइन योर टीचर ऑफ साइंस। बच्चों आई होप यू आर वेल एंड यू आर सेफ इन योर हाउस। बच्चों हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी तो मैं बार बार आप लोगों को टेस्ट के मुतालिक बता रही हूँ कि इंग्लिश और उर्दू की हमारी टेस्ट वाली नोटबुक है उसके स्टार से ही आप लोगों ने टेस्ट करने हैं, जबकि मैथ साइंस एसएसटी कंप्यूटर एंड इस्लामियात का बैक साइड पे जो है वो हमने टेस्ट करना है, ठीक है। और टेस्ट बच्चों बिल्कुल जो है वो ऑनेस्ट होके जो है आप लोग टेस्ट करें, ठीक है। जो मिस्टेक है ना ही हमने आपको कुछ डांटना है ना कुछ निकाली, लेकिन ये है कि आपको ख़ुद को पता चल जाएगा बच्चों की आपकी क्या क्या मिस्टेक हैं, ठीक है। साइंस के बच्चों की मैंने टेस्ट की कापीज चेक की हैं तो मुझे उसमें भी सही नहीं है, ठीक है ना। बस बच्चों ने स्टार से ये टेस्ट किया तो मैं बार बार बता रही हूँ कि बैक साइड पे टेस्ट करना है। चले टू टेप जो है वो अब हम यूनिट नंबर 4 मैटर के क्वेश्चन आंसर की हम प्रिपरेशन करेंगे। और बच्चों जिन्होंने नहीं राइट की हैं वो अपनी कापी पर राइट कर लीजिएगा, तो साथ साथ जो है वो आप लोग याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 4 मैटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है हाउ थिंग्स आर मेड अप। मेड का मतलब है बनी, यानी चीज़ें किन चीज़ों से, हाउ थिंग्स आर मेड अप बनी हैं, ठीक है, कैसे बनी हैं चीज़ें। तो आंसर आ जाएगा थिंग्स, टी कैपिटल लेटर में टी एच आई एन जे, थिंग्स आर मेड अप ऑफ, थिंग्स आर मेड अप ऑफ, हम ऊपर से लेंगे आगे लिखेंगे मैटर, एम ए डबल टी आर मैटर, यानी चीज़ें जो है वो मादा से मिलकर बनी हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम अपने क्वेश्चन के बीच में से लिखेंगे और नेक्स्ट हम लिख देंगे मैटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ मैटर, यानी मादा की कितनी किस्में, काइंड्स का मतलब होती हैं अकसाम। आंसर लिखेंगे टी एच ई आर ई, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैटर। सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैटर, 3 है इसकी काइंड। नंबर 1 पर है एस ओ एल आई डी सॉलिड, एल आई क्यू यू आई डी लिक्विड, जी ए एस गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने ये राइट करना है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कैन लिक्विड फ्लो, क्या जो है माया बह जाता है। आंसर लिखेंगे येस, वाई येस, येस लिक्विड कैन फ्लो। ये क्वेश्चन के भी पहले लिक्विड लिखेंगे फिर कैन फ्लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है वाट इज सॉलिड, यानी कि ठोस क्या है। ये क्वेश्चन के आंसर मैं इसीलिए उर्दू में बता रही हूँ ताकि आप लोग इजीली आप लोग आंसर राइट, आंसर आएगा सॉलिड इज़ हार्ड, एच आर डी हार्ड, यानी सख्त है, ए एन डी एन डी ओ एस डज नॉट, सी एच ए एन जी चेंट इज शेप, यानी सॉलिड इज हार्ड तो सख्त है एंड डज नॉट चेंज इज शेप, उसकी शेप चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना, शेप जो है उसकी चेंज नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 5 है कैन गैस मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्या गैस एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। तो बच्चों मैंने आपको बताया जा सकती है ना, आंसर आ जाएगा येस, हमने सिर्फ राइट करना है येस, गैस लिख के कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, येस गैस लिख के कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये क्वेश्चन के बीच में से हमने राइट करना है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो इस लेक्चर में है, प्रिपरेशन है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको उसकी पिक सेंड करूंगी, जो मैं क्वेश्चन राइट करूंगी आपने उसी के आंसर जो है वो मुझे राइट करके जो है वो कापीज़ पर आप लोगों ने राइट करना है, ठीक है। बच्चों अल्लाह हाफिज़, बेस्ट विशेस।